हेलो, वेलकम टू ऑन अनदर वीडियो लेक्चर्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सॉलिड वर्क्स के बारे में। हम लोग सॉलिड वर्क 2020 वर्जन अभी हम लोग मैं चला रहा हूँ। तो अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो लेक्चर्स सबसे पहले देखे होंगे, क्योंकि अगर वही लेक्चर्स आपने अगर देखे होंगे तभी आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी सॉलिड वर्क्स की 2D में स्केचिंग चल रही है। स्केचिंग जैसे ही ये सब टूल्स खत्म हो गए, मतलब किस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है और वो सब मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा, बाद में मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी तक अगर आपने वो आगे के वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, और देन नेक्स्ट अभी बात होम, क्लिक ऑन दी होम आइकन, देन ठीक है, होम आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने सारा एनवायरनमेंट आ चुका होगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केच पर क्लिक कीजिए, बाद में फ्रंट प्लेन में जाके फ्रंट प्लेन में एक मिनट फ्रंट प्लेन में जाके स्केच पर क्लिक कीजिए। अभी तक लाइन, रेक्टेंगल, स्लॉट, सर्कल, आर्क, पॉलीगॉन, स्प्लाइन, वो अभी तक चला दिया है। ठीक है, तो ये एलिप्स आज देखेंगे। एलिप्स, तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एलिप्स पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, बाद में मेजर एक्सिस का रेडियस, फिर माइनस माइनर एक्सिस का रेडियस, स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन दे दीजिए, सपोज 5 है तो 5 एंटर, और माइनर एक्सिस का भी दे दीजिए, सपोज 2 है तो 2 एंटर, टू एंटर। अब इसको जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो देखते हो ये अभी तक पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, तो इसको वर्टिकली हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट और ये पॉइंट और वर्टिकल कर दीजिए, तो इस तरह से वो फुल्ली डिफाइन स्केचेस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेकंड अभी बात करेंगे पार्शियल एलिप्स, मतलब ये पूरा एलिप्स अगर आपको ड्रॉ नहीं करना और उसका कुछ पोर्शन ही ड्रॉ करना है तब पार्शियल एलिप्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें भी वैसे ही है, सिलेक्ट सेंटर पॉइंट, बाद में मेजर एक्सिस का पॉइंट, माइनर एक्सिस का पॉइंट, और जिस पॉइंट माइनर एक्सिस का जब भी पॉइंट सिलेक्ट करें तब ध्यान रखिए जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पर आपको रखना है। ठीक है, और बाद में एंटी क्लॉकवाइज पे चले जाइए या फिर क्लॉकवाइज पे चले जाइए, एंटी या फिर क्लॉक। तो इस तरह से आप पार्शियली इलिप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, बाद में उसको डायमेंशन आप दे दो। तो डायमेंशन उसी तरह से देते हैं, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का, सपोज ये इतना है, मैंने इतना ले दिया, यहाँ से यहाँ तक का इतना है। ठीक है, और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, स्मार्ट डायमेंशन से बाहर निकल के ये पॉइंट कंट्रोल, ये दूसरा पॉइंट और वर्टिकल। तो इस तरह से ये स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी अंडर डिफाइन बता रहा है क्योंकि ये पॉइंट हमारा, ये फुल्ली हमने स्केच हमने नहीं किया। तो इस पॉइंट को यहाँ जोड़ देंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर जोड़ देंगे तो ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे और एक टूल आएगा ट्रिम एंटिटी, उससे भी हम लोग पार्शियल हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तीसरा बात करेंगे पैराबोला। पैराबोला में भी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके सेकंड पॉइंट, और बाद में जहाँ से भी स्टार्ट करना हो वहाँ से वहाँ का फर्स्ट पॉइंट, बाद में दूसरा पॉइंट। तो इस तरह से पैराबोला भी आप ड्रॉ कर सकते हो। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक कीजिए, इसको और इसको डायमेंशन दे दीजिए। ठीक है, बाद में देखिए देख सकते हो कि ये वर्टिकल ही नहीं है, तो
इसको और इस कंट्रोल पॉइंट से इसको वर्टिकल कर दीजिए तो ये डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन होने के बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे दी और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सबसे पहले बाहर निकल जाइए स्मार्ट डायमेंशन से। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे कंट्रोल करके सेकंड पॉइंट, बाद में हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये फुल्ली डिफाइंड पाराबोला हो चुका है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉनिक। कॉनिक भी इसी तरह से पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और दूसरा। इसमें क्या होता है, पहले दो पॉइंट हमको सिलेक्ट करना पड़ेंगे हॉरिजॉन्टली, बाद में तीसरा पॉइंट आपको जहाँ पर रखना हो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये है कॉनिक। जनरली इनका इंजीनियरिंग में यूज इतना नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्केच फिलेट के बारे में। स्केच फिलेट उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे जो भी सारे पेजेस हैं उनको हम लोगों को बहुत ही कन्वर्ट करना है, बहुत ही मतलब उसमें जो शेप, राउंड शेप हमको देना है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिलेट। तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल है 50 बाय 40 का, 50 बाय 40। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में अगर हम लोगों को 5 का फिलेट मारना है, 5 mm का, तो यहाँ पे जाएंगे स्केच पैड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 4 mm। ओके, एंटर कर दिया। अभी ईच में बता रहा है क्योंकि हमारी यहाँ सिस्टम है वो ईच में है। ठीक है, ये आईपीएस में है तो इस आईपीएस को एमएम में करने के लिए यहाँ पे एमएम कर दीजिए। फिर से स्केच में जाइए, एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद फिलेट पे क्लिक कीजिए और 10 mm बता रहे उसकी जगह पर मैंने 5 लिख दिया। और सपोज इस कॉर्नर पर मेरे को करना है तो एंटिटी टू फिलेट करके बाद में इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हो कि 5 mm का ये फिलेट लग गया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। सपोज मैंने 10, 15, 20, सपोज मैंने 65 mm का मैंने कर दिया, तो ये इस तरह से 65 mm का फिलेट लग चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे कॉर्नर पे तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, अगर तो इस तरह से फिलेट भी ड्रॉ हो सकता है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, फ्रंट प्लेन स्केच। सपोज फिर से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल है 100 बाय 100 बाय 50 का है। ठीक है, 100 बाय, इसको मैंने 50 कर लिया। अगर इन सभी कॉर्नर पे हमको अगर फिलेट बनानी है और एक साथ बनानी है तो स्केच फिलेट पे क्लिक कीजिए, 65 पे जगह पे मैंने 5 रख दिया और ऐसा रीजन सब सब एक साथ सिलेक्ट कर दीजिए इस तरह से और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से भी फिलेट एक साथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिलेट्स, ये फिलेट्स मैंने बना लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रंट एंड पे जाके, स्केच में जाके, स्केच चैम्फर यानी कि ये मैंने एक रेक्टेंगल मैंने बनाया और हम लोगों को अगर चैम्फर अगर बनाना है, चैम्फर चैम्फर यानी कि उस डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ मतलब उतना डिस्टेंस उतना गैप रह जाएगा, वहाँ पे एक रेडियस नहीं बनेगा, रेडियस की जगह पे एक लाइन बनेगी। ठीक है, सपोज हम लोग इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे दे देते हैं, इक्वल डिस्टेंस यानी कि 10 mm का डिस्टेंस, और इस पॉइंट पे अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों साइड 10 mm 10 mm की एक लाइन बन जाएगी 45 डिग्री पे। ठीक है, सपोज ये इक्वल डिस्टेंस है, तो अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है, अगर 10 की जगह पे अगर 5 करोगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने 10 की जगह मैंने 5 करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 10 और 5 आ जाएगा। तो उस तरह से D1 D2 करके आप चैम्फर भी लगा सकते हो, इस पॉइंट पे भी लगाया, इस पॉइंट पे भी लगाया और इस पॉइंट पे भी लगाया और ओके कर दिए। तो इस तरह से हम लोग चैम्फर हम लोग लगा सकते हैं। तो ये था चैम्फर, चैम्फर। ठीक है, तो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड शेयर।